हेलो एवरीवन, दिस इज सुनील तलरेजा फ्रॉम तलरेजा इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस। फ्रेंड्स, आज का हमारा रूल है WH वर्ड्स के साथ ऑल का प्रयोग। फ्रेंड्स, कई बार स्पोकन में हम ऐसे सेंटेंस बोलते हैं जैसे मैं क्या कह सकता हूँ, मुझे क्या कहना चाहिए, मुझे क्या खाना चाहिए, और साथ ही कभी कभी हमको ऐसे सेंटेंस भी बोलने पड़ते हैं कि मुझे क्या क्या खाना चाहिए, हम क्या क्या कर सकते हैं, या फिर जैसे कौन आ रहा है, तो कभी कभी हमको ऐसे सेंटेंस ही बोलने में आते हैं कि कौन कौन आ रहा है, तुम कहाँ गए थे, तो कभी कभी हम यूँ भी बोलते हैं तुम कहाँ कहाँ गए थे। तो जब हिंदी में कोई WH वर्ड रिपीट हो रहा है, क्या, क्यों, कैसे, तो इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? इंग्लिश में ऐसे नहीं कि वॉट वॉट दो बार लगाना है या हु दो बार लगाना है, किसी को डराना तो नहीं हु करके। तो फ्रेंड्स, ऐसे सेंटेंस को बनाने के लिए हमको क्या करना है, WH वर्ड्स के साथ ऑल का प्रयोग करना है। जैसे मुझे क्या खाना चाहिए तो हम कहते हैं व्हाट शुड आई ईट। मुझे क्या क्या खाना चाहिए तो व्हाट के साथ ऑल जोड़ दो और व्हाट ऑल शुड आई ईट। तो देखते हैं फ्रेंड्स इसका स्ट्रक्चर क्या है। लिखिए, सबसे पहले इसमें क्या आएगा, WH वर्ड प्लस ऑल, फिर हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब मतलब रूल, जैसे कोई काम करना चाहिए तो शुड, सकता है तो कैन, सका तो कुड। फिर क्या लगाने का है, सब्जेक्ट लगाना, फिर वर्ब लगाना है रूल के अकॉर्डिंग, फिर ऑब्जेक्ट। जैसे मुझे क्या क्या खाना चाहिए तो क्या बोलना पड़ेगा, व्हाट ऑल शुड आई ईट। हम क्या क्या कर सकते हैं तो क्या बनेगा, बोलो, व्हाट ऑल, सकते हैं मतलब कैन, व्हाट ऑल कैन वी डू। मुझे क्या क्या पूछना चाहिए, बोलो, व्हाट ऑल शुड आई आस्क। वह क्या क्या कर सका, व्हाट ऑल, सका मतलब कुड, व्हाट ऑल कुड ही डू। कौन आ रहा है क्या बोलते हैं, हु इज कमिंग। कौन कौन आ रहा है तो हु ऑल, फिर इसकी जगह आर भी लगाना पड़ेगा क्योंकि प्लूरल की बात हो रही है, तो हु ऑल आर कमिंग। तुम क्या चाहते हो, टेंस में देखते हैं इसका यूज, तुम क्या चाहते हो, व्हाट डू यू वांट। तुम क्या क्या चाहते हो, व्हाट ऑल डू यू वांट। वह कहाँ गया, ये भी टेंस है पास्ट सिंपल, बोलो, वह कहाँ गया, वेयर डिड ही गो। वह कहाँ कहाँ गया, वेयर ऑल डिड ही गो। तुमने किसे आमंत्रित किया, किसे मतलब हुम, पास्ट टेंस है तो हुम डिड यू इनवाइट। तुमने किस किस को आमंत्रित किया तो हुम ऑल डिड यू इनवाइट। मुझे किसको बुलाना चाहिए या आमंत्रित करना चाहिए, हुम शुड आई इनवाइट। मुझे किस किस को आमंत्रित करना चाहिए तो क्या बोलेंगे, हुम ऑल शुड आई इनवाइट। तुम क्या करोगे, बोलो, कौन सा टेंस है, करोगे, गागेगी, फ्यूचर, बोलो, तुम क्या करोगे, व्हाट विल यू डू। तुम क्या क्या करोगे, व्हाट ऑल विल यू डू, बाकी रूल तो वही है। तुम क्या लाओगे, व्हाट विल यू ब्रिंग। तुम क्या क्या लाओगे तो व्हाट ऑल विल यू ब्रिंग। कौन कौन आ सकता है, केवल कौन आ सकता है तो क्या बोलते हैं, हु कैन कम। कौन कौन आ सकता है तो हु ऑल कैन कम। तुमने क्या क्या खरीदा, कौन सा टेंस हो गया, पास्ट, तो तुमने क्या खरीदा बोलते तो क्या बनाते, व्हाट डिड यू बाय। तुमने क्या क्या खरीदा तो क्या बोलना पड़ेगा, व्हाट ऑल डिड यू बाय। मुझे क्या क्या पूछना चाहिए, पूछना चाहिए मतलब शुड, तो क्या बनेगा, बोलो, व्हाट ऑल शुड आई आस्क। हमें क्या क्या करना चाहिए, व्हाट ऑल शुड वी डू। हम क्या क्या कर सकते हैं, व्हाट ऑल कैन वी डू। तो फ्रेंड्स, आपने रूल अच्छे से समझ लिया होगा, केवल क्या जोड़ना है, ऑल जोड़ना है, बाकी आपको WH वर्ड्स आने चाहिए। अब कुछ सेंटेंस लिखिए, इसको आपको बनाने हैं और कमेंट बॉक्स में आपको आंसर्स टाइप करने हैं। पहला सेंटेंस लिखो, हमें क्या क्या खरीदना चाहिए,
सेकंड सेंटेंस लिखो, वह क्या क्या करेगा। थर्ड सेंटेंस लिखो, हमें क्या क्या पूछना चाहिए। फोर्थ लिखो, कौन कौन वहां जा रहा है। फिफ्थ लिखो, वह कहां कहां जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये आंसर्स टाइप करके कमेंट बॉक्स में जो है आप इसको लिखें, इसके आंसर्स दें, देखते हैं आपके सेंटेंस कितने सही रहते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन।